नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। हरियाणा में इस समय सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। गुरुग्राम से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी की जो बात है, अब वो तूल पकड़ती जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में 2013 में शामिल हुए राव इंद्रजीत ये उम्मीद लगाकर उस वक्त चल रहे थे कि 2014 में जब वो बीजेपी से गुरुग्राम के सांसद बने तो उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री तक ही सीमित कर दिया गया और वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की में भी काफी आगे 2014 के हरियाणा चुनावों के बाद थे, लेकिन वहां भी उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इसके बाद 2019 में जब उन्होंने लगातार दूसरी बार गुरुग्राम से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की तो वहां भी उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री ही बनाया गया, ना कि कैबिनेट मंत्री। ऐसे में उनकी नाराजगी और भी बढ़ी। लेकिन इस बार जब साल 2024 के मार्च महीने में बीजेपी ने सूबे का मुख्यमंत्री बदलते हुए नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो उस वक्त नायब सिंह सैनी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आई, जो कहीं ना कहीं खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मान करके चल रहे थे। ऐसे में अब अहम ये हो जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी क्यों है। दरअसल हाल ही में जब 4 जून को चुनावी परिणाम सामने आए तो राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम से लगातार तीसरी बार सांसद जीत दर्ज की और वो भी 70,000 वोटों के बड़े अंतर से। लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री पर ही सीमित कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बन के अब की बार उन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, तो वो अब की बार भी नहीं हुआ और बीजेपी ने जिस प्रकार से उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री तक ही सीमित रखा, इससे अब राव साहब के समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, भिवानी महेंद्र सीट से नवनिर्वाचित सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी राव साहब के समर्थन में बोलते हुए नजर आए कि उनकी नाराजगी और उनके समर्थकों की नाराजगी के चलते पार्टी को इस साल होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि राव साहब को अब कांग्रेस से बड़ा ऑफर मिल सकता है और वो इसे स्वीकारने कांग्रेस दफ्तर भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।